मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बिलासपुर। हम बिलासपुर से 12-13 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं यहाँ पे भाग्य होटल के अंदर, और कल रात को थके हारे आए थे सब लोग, तो बस खाना वाना खा के सो गए थे। अभी जब हम सुबह उठे तो यहाँ भाई साहब वादियों के अंदर नज़ारे ही कुछ और चल रहे थे। क्या मस्त मौसम हो रखा था। अभी तो मौसम थोड़ा सा मौसम ठीक है, बारिश बड़ी शानदार हो रही थी सुबह से। हम जब से जागे हैं तब से बड़ी बहुत ही शानदार बारिश हो रही है। अभी मौसम अच्छा है, लेकिन इस बारिश के कारण हमारे जो चैलेंजेस है राइड के थोड़े से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि रास्ते के अंदर हमें मिलेगा बहुत सारा कीचड़। हो सकता है कहीं पे लैंडस्लाइड हो गई हो, जो सुबह से बारिश हो रही है उसके कारण। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि लद्दाख राइड इज नॉट इजी, तो चैलेंजेस हमारे यहीं से शुरू हो जाएंगे। तो आज जो पूरी राइड होने वाली है वो होगी एकदम बारिश के अंदर। हमने सामान पूरा वाटरप्रूफ के हिसाब से पैक कर दिया है। अभी ब्रेकफास्ट करना बाकी है, तो अभी चलते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, और तब तक आप लोग ये कुछ स्लो मोशन एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे देखो फोन के साथ एंटीना भी काम कर रहा है, इसे बोलते हैं जुगाड़। यार यहाँ पे अभी मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है। देखो भाई साहब पूरे यहाँ पे देखो बादल, वाह। और यहाँ पे तो स्पेशली देखो बादल 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 बादल। हाँ भैया कैसा पकड़ा है एंटीना? काम करता है ना, नेटवर्क अच्छे आ रहे होंगे इससे। टाइम हो गया 11:30, और यहाँ पे अभी हमारा जो लगेज है वो सारा रेडी कर दिया है। इन सबको वाटरप्रूफ कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा कुछ सामान है नहीं हाल फिलहाल तो इनमें, और इसमें पानी जैसे नहीं जाने वाला यहाँ पे कर दिया है। इसके भी अपन ने लगा दिया है वो पूरा वाटरप्रूफिंग। तो ये जो होटल है भाग्य होटल, इसमें रुके हुए थे, और हमको जो रूम है वो यहाँ पे अराउंड 2000 में हमें रूम मिल गया। ठीक ठाक लोकेशन थी यहाँ पे, और इस होटल के जो फ़ोन नंबर है आप तो यहाँ तो वहाँ देख सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा फोटो सेशन चल रहा है। तो अभी हम लोगों को आज जो कवर करना है वो करना है 180 किलोमीटर कंप्लीट करने हैं, और होप सो जल्दी आज शाम तक हमें टारगेट रहेगा मनाली पहुँचने का। बता रहे हैं कि रास्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, तो चलो फिर निकलते हैं अब यहाँ से, है ना, मिलते हैं आपसे आगे। और यहाँ पे जो शुभम है उसकी बाइक के ऊपर देखो फोटोग्राफी चालू हो गई है। तो यहाँ पे आज की जो मीटर की रीडिंग है उसको कर देते हैं 0। ओके, पेट्रोल की कंडीशन करें तो अभी पेट्रोल हाफ है, तो अभी भराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम निकल चुके हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अभी मेरे क्या ब्रेक थोड़े से कम लग रहे हैं, तो मुझे थोड़ी देर धीरे धीरे ब्रेक से यूज़ टू होना पड़ेगा, उसके बाद हम थोड़ा चला पाएंगे। और आप जानते हैं ये रेन लाइनर ये सब पहनने के बाद कितना ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। हाँ सर, रोड की कंडीशन बहुत ही ख़तरनाक हो रखी है यार, संभल के चलाना पड़ेगा वास्तव में। हाँ, बादल भाई साहब, ऊपर बादल नीचे चांदनी। तो शिमला यहाँ से है 78, अरे वाह, और मनाली यहाँ से हमें पड़ेगा 120-130 किलोमीटर। आज है हमारी लद्दाख राइड का डे 2, और डे 2 की शुरुआत हुई है शानदार बारिश से। भाई साहब मौसम बना दिया बारिश। और आज तो फोग जम रही है, जिसके कारण मेरे को क्या आज तो विदाउट ग्लासेज ही चलाना पड़ेगा। अरे यार अंदर भी फोग जम रही है आज तो, क्या बात है, खतरनाक। फिर आगे क्या हाल होगा यार, मैं तो एंटी फॉग का तो कुछ जुगाड़ नहीं करके ले गया है, क्योंकि जब मैं उत्तराखंड राइड पे गया था तब मैंने एंटी फॉग का जुगाड़ किया था, उससे ऐसा कोई खास मतलब निकला नहीं। है वो अभी शुभम के कैरी कर रहा है, हुआ तो या इसको मनाली में या कल में इसको चेंज करा लेंगे, और चांदनी को इसके पहले शूज नए शूज मिल जाएंगे अभी। ओ भाई सामने व्यू देखो, अल्टीमेट व्यू,
शुभम, यहाँ पे किधर जाना है? शायद सब लोग नीचे ही जा रहे हैं, नीचे चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था यार, उस ट्रैफिक से निकलते निकलते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। अब धीरे धीरे मेरे क्या कान बंद होने लग गए हैं। एल्टीट्यूड की बात करूँ तो अभी हम इस समय 600 मीटर या फिट जो भी है इसकी हाइट पे है। अकॉर्डिंग टू माई वॉच 600 मीटर होगा शायद। मुझे आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, क्योंकि सही बताऊँ तो यार फोर व्हीलर वालों ने दिमाग खराब कर दिया अभी। और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि मनाली 163 और शिमला 86। ओके, एक तो ये इंडिकेटर नहीं दे रहे हैं आज, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा जाना किधर है, किधर से जाना है, क्या करना है। बिलासपुर शिमला मनाली मंडी राइट। कभी बार मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो ये समझ नहीं आता यार, इंसान ने यहाँ पे आके बसने की कैसे क्या सोची, किस टाइप से बसे। ओ भाई साहब इधर नज़ारा देखो, मुंडी घुमाते नज़ारा। और भाई साहब सामने भी खतरा है। तो भाई साहब ये कोई कोल डैम एरिया चल रहा है, यहाँ पे कोई डैम है शायद जिससे बिजली बनाई जाती है, क्योंकि इधर लेफ्ट में रिवर चल रही है बड़ी शानदार। अभी आने दो आपको थोड़ी सी जगह, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं एक मोड़ पे सोचता हूँ कि अब एक्शन कैम बंद करूँ, फिर कुछ चीज़ आ जाती है। वाह ऊपर पहाड़ देखो, लेकिन भाई यहाँ पे लैंड स्लाइड के लिए भी ख़तरनाक जगह हो सकती है। वाह घाटी से निकलते ही फिर कितनी शानदार जगह है, मज़े आ गए। वाह वाह बादल देखो पहाड़ों पे, क्या देखने को मिलता है यही। ओ हो, क्या व्यू आ रहा है भाई 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 भाई, ये देखो व्यू। ओ माय गुडनेस, क्या डैम लग रहा है यार, कितनी शानदार इसका भाव लग रहा है, कितनी शानदार यहाँ से लग रही है रिवर। एक नंबर। इसका क्या करना है, क्या करना है इसका? यहाँ से अभी थोड़े बहुत क्या आम खाए थे भाई साहब, यहाँ के जो दशहरी आम थे ना अभी, वो उनका मतलब बिल्कुल फ्रेश, एकदम फ्रेश। अपने यहाँ पे जब राजस्थान तक पहुँचते हैं तब तक तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है आमों की। और यहाँ का भाई साहब बहुत ही भयंकर खराब वाला ख़राब पे जा चुका है, कीचड़ 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 स्लश स्लश स्लश। ओके मुझे थोड़ा सा लेफ्ट में चलाना पड़ेगा, यहाँ ठीक है, यहाँ पत्थर जैसे दिख रहा है। ओ ऐसी जगह पे वो ओवरटेक करते हैं यार, मतलब फाड़ने की भी हद होती, कितना बुरा फाड़। अभी हम आ चुके हैं यहाँ सुंदर नगर के अंदर। हमने अभी तक यहाँ 50 किलोमीटर कर लिए हैं और हमें एवरेज स्पीड 32 की मिली है। हाल फिलहाल तो बढ़िया चल रहा है सब। भाई साहब अभी जो सुंदर नगर गया था पीछे, उसमें भाई साहब जो पेच आया ना, इतना घटिया पेच आया, उस पेच ने परेशान कर दिया, हाथों में दर्द हो गया पूरा, गाड़ी की हालत ख़राब हो गई, पूरे शूज़ की हालत ख़राब हो गई। लेकिन भाई साहब वहाँ से निकल के आने के बाद जो ये नज़ारा देखने को मिला ना, सब कुछ वसूल हो गया। ये देखो शूज़ की हालत देखो आप, कितनी भयंकर हो गई है यहाँ पे, मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब से ये नज़ारा देखा ना भाई साहब, एक नंबर। आहा ठंडी ठंडी हवा आने लगी, और जो गर्मी में हाल ख़राब हो गया था वो अब थोड़ा सुकून वाला पल महसूस हो रहा है। अभी यहाँ पे टाइम की बात करूँ तो 2:12 हो गए हैं और हम लोगों ने 60 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। सुंदर नगर काफ़ी कंजेस्टेड एरिया था और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही ज़्यादा चल रहा था, कि जो वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आगे कहीं पर रुकते हैं। वाह कितना शानदार लैंडस्केप है, जी कर रहा है ड्रोन उड़ा दें यहाँ पे, क्या बोलते हो? तो अभी यहाँ पे अभी पेट्रोल के प्राइस है 97.47, और अभी हम यहाँ से पूरा अपना फिलअप कराते हैं फुल। यहाँ पे देखो पेट्रोल 830 रुपये का भी फिल कराया है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक और यार इतना ट्रैफिक, जो बीच बीच में सिटीज़ आती हैं उनमें इतना ट्रैफिक होता है, जैसे बहुत ही भयंकर हालत हो जाती है। तीन बज के 10 मिनट हो गए हैं और हम लोग अभी मंडी के अंदर पहुंच गए हैं। कोई सब्जी मंडी नहीं, मंडी जो जगह जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और यहाँ पे ये 2 दिन से भूखे हैं, आज रोटी खाएंगे। जैसे कि मैं मोटो ब्लॉग में बता रहा था कि भाई साहब काफ़ी गंदा पेश था, मतलब बहुत ही बेकार, मेरे को तो भाई साहब बहुत बेकार लगा बहुत। तो अभी हम लोग करते हैं यहाँ 3 बजे तो लंच करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है मनाली पहुँचने में। भाई खाना आ चुका
अभी भी लगे हुए हो? यहाँ पे ये जो मीट एंड ईट कैफे है, यहाँ पे रुके थे मंडी के अंदर, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, खाना भी काफ़ी बढ़िया था और काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे। यहाँ पे बाइक्स को रेडी कर दिया गया है। टाइम अभी 3:50 हुए हैं और यहाँ से अब बस निकलते हैं, 7 तक पहुँच जाएंगे, तो निकलते हैं यहाँ से। सामने नज़ारा देख रहे हो? ओह माय गॉड, क्या नज़ारा है। रोड बिल्कुल ख़राब है तो थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे सकता बाकी, लेकिन भाई साहब सामने नज़ारा देखो कितना शानदार लग रहा है। ओह माय गॉड, मैं वो देखूँ कि रोड देखूँ? यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है कि ये नज़ारा देखें कि रोड देखें, और लेफ्ट में बिल्कुल खाई है। 1% भी अगर कुछ भी गड़बड़ करते हो तो यू हैव टू बी, तो यहाँ थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा क्योंकि रह रहे के ट्रैफिक भी आ रहा है। जैसे हम उत्तराखंड वाली राइड पे गए थे तो वहाँ इतना ट्रैफिक नहीं रहता था, तो वहाँ तो आराम से आप रोड के किसी भी हिस्से में बाइक चला सकते हो, लेकिन भाई साहब यहाँ पे तो सीन ही कुछ और है। वाह क्या लोकेशन है यार, लोकेशन बड़ी ही प्यारी है यार, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और पत्थरों के ऊपर वाह। इधर काम चल रहा है? वाह एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, वाह।